यहाँ घिरा हुआ है, सब चीज़ सड़ चुके हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। आप सरकार के आदेश आए तो कुछ नहीं मिला, कोई पूछने नहीं आता है कि तुम दहते हो कि क्या अथी होती है, दिक्कत होता है। अब अथी केहू पूछे वाला है नहीं के, अब जरा के होने भीतर बाकी सब केहू के मिल गए बा, आने के आदमी के मिलल नहीं दहत। अब अधिकारी केहू नहीं देखे आई, अब देखा देता हूँ तो वहाँ से आदमी बोल रही, अब कोई देखे नहीं आई तब क्या कहा जाओ। भूसा उसा अनाज पानी में मैं सर टूट गए, मैं पलानी उड़ाई मैं टूट गए बा, दही गई। देख रहे हैं जो घाघरा नदी का काफ़ी दिनों से बाढ़ मतलब लड़ा रही है, तो यहाँ एक बार नेपाल जी आए थे देखने के लिए, उसके बाद जब एक बार एक और पता नहीं लेडीज क्यों आई थी, उनका नाम नहीं पता नहीं, पर उसके बाद कोई नहीं आया, पानी देखना घटा गया बड़ा। कितनी दिक्कतें होती हैं इस बाढ़ के पानी से? बहुत ही दिक्कत होती है, फसलें बहुत ही नुकसान हुई है, आने जाने का इधर वालों को भी खर्चा, हमारा भी ये जो दिख रहे हैं कि परेशानी में चले हैं। कितने गांव इसे पानी से प्रभावित हुए होंगे, अभी कितने घर होंगे? मेरे ख्याल से जितने गांव हैं इधर बांधे से इस साइड वो पूरे बाढ़ से संक्रमित हैं। तो यहाँ पे प्रशासन के लोग आते नहीं हैं? आप लोग देखा जा रहा है कि जो पशुओं के लिए जो चारा था वो पूरी तरह नुकसान हो चुका है, तो आप लोग अब पशुओं को खाना पीने की व्यवस्था कहाँ से कर रहे हैं? सर अब हम लोग पशु अपने रखे हैं तो थोड़ा सा तो कैसे भी एडजस्ट करेंगे, पर इतना नुकसान हुआ तो फिर तो क्या प्रशासन के लोग आप लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं? प्रशासन के लोग तभी हमें तो नहीं पता कि आए थे कि नहीं आए थे, पर हम नहीं देखे, लेकिन उम्मीद है कि शायद आएंगे देखेंगे तो थोड़ा बहुत मतलब मदद करेंगे, लेकिन अभी आए नहीं थे प्रशासन नहीं। और अभी तक इतने दिन बीत जाने के बाद अभी तक कोई मदद नहीं मिली आप लोगों को? अब मेरे ख्याल से एक बार नहीं बताए थे ना ये, तो मुड़ी मिली थी, पर इसके बाद वाला कुछ नहीं, कोई नहीं आया। या कोई पशुओं का चारा या आप लोगों को भोजन की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है? भोजन की व्यवस्था अभी तक नहीं है पशुओं को तो नहीं। जो भी जी तो बोल रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित जो इलाका है उनको खाने पीने की हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है, लेकिन अभी जब वो एक बार मिला था मुरी, बस मुरी मिला था मुरी, हाँ वही, उसके बाद कुछ नहीं मिला था। एक बार केटू नहीं आया था, पता नहीं क्या क्या था, वही मिला, उसके बाद कोई दिख नहीं आया, नहीं पानी घटा या बढ़ा, उसके बाद क्या तकलीफें हो रही है क्या नहीं। अब इस पानी से मान लीजिए जो स्थिति है इससे किस तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं? सर इससे तो मैंने पानी घट गया तो या छोटे बच्चों का भी दिक्कत होता है, कोई आया छोटे बच्चों डूब सकते हैं, अब इससे तो बहुत ही हो सकता है, लेकिन अब क्या बताएं।